साले ट्रेंट बोल्ट कब तक दर्द देता रहेगा तू। पहले ओवर में पहली बॉल पे विकेट, केएल राहुल गोल्डन डक पे आउट, और वो भी ससुर जी और भाभी जी के सामने। क्या इज्जत रह गई अब राहुल भाई की। भाई मौत आ जाए लेकिन ऐसी नौबत ना आए। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और भाई ये हर किसी की कहानी है, जब भी अपनी क्रश को इम्प्रेस करने जाओ कोई ना कोई कांड जरूर होता है। राहुल भाई ये क्या हो गया है तुझे, ये कैसी हालत बना ली है। याद कर भाई, एक ऑरेंज कलर की कैप होती है, जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसे मिलती है। ये क्या गोल्डन डक पे गोल्डन डक बना रहा है, तू तो ऐसा नहीं था रे। चिंकी तू बहुत चेंज हो गई रे। इस मैच का गेम चेंजिंग मोमेंट था जब करुणाल भाई ने हेटमेयर की कैच छोड़ी, और इसमें करुणाल भाई की कोई गलती नहीं है, बॉल की गलती है जो वहां पर आई। और कैमरामैन भी पूरा खतरों का खिलाड़ी बन रहा है, जैसे ही हेटमेयर कोई शॉट मारता कैमरा सीधा करुणाल भाई पे। अरे भाई मरना है तेरे को, डर नहीं लगता, जिंदगी से प्यार नहीं है, क्यों मौत को दावत दे रहे है। मरना है तेरे को, डर नहीं लगता। कुलदीप सैन क्या बॉलर है भाई, सब उमरान मलिक की बात कर रहे थे लेकिन भाई ये तो छुपा रुस्तम निकला, राजस्थान वालों कान छुपा रखा था इसे। बाकी काम छोड़ो भाई, सबसे पहले हेटमेयर भाई का चेकअप वगैरह कराओ, मुझे तो लगा था ये सिर्फ ठुमके लगाने के लिए, भाई ये तो परफॉर्म भी कर रहा है। सच में भाई इसके अंदर तो डॉन ब्रैडमैन की आत्मा आ गई यार, इतना कंसिस्टेंसी से कैसे मार रहा है ये। केकेआर और दिल्ली का मैच कोई नॉर्मल मैच नहीं, फुल रिवेंज बाजी वाला मैच था। एक तरफ श्रेयस अय्यर तो दूसरी तरफ कुलदीप यादव, और जब से कुलदीप भाई दिल्ली की टीम में गए हैं सीधा शेन वॉन बन गए हैं। विकेट छोड़ो भाई, जिस हिसाब से सेलिब्रेट कर रहे हैं ना उसी को देखकर डर जाए सामने वाली टीम। इतने गुस्से में थे ना कुलदीप भाई, बस लेट लेकर केकेआर के ड्रेसिंग रूम में घुसने की देरी थी। सबसे पहले तो कमिंस भाई को जाके कोई बताओ कि भाई तू बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, तू बॉलर है, बॉलर बॉलर वाले काम तो कर। सब करना है कमिंस भाई को, फास्टेस्ट 50 भी मारनी है और खानी भी है। दो मैच में 100 रन खा चुके हैं, अलग ही शौक चल रहा है भाई के। स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है। अंपायर और रहाने भाई का अलग ही रोमांस चल रहा है भाई। पहली बॉल पे आउट दिया, डीआरएस लिया, नॉट आउट। दूसरी बॉल पे आउट दिया, फिर डीआरएस लिया, फिर नॉट आउट। और जब तीसरी बॉल पे आउट था तब ना डीआरएस लिया और ना आउट दिया। केकेआर वाले खुद टेंशन में थे कि कब आउट होगा भूतनी के, लेकिन रहाने भाई को तो आउट होना ही नहीं है, रहाने भाई को तो टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। जब से लॉर्ड शार्दुल दिल्ली की टीम में आया ना, तब से दिल्ली की किस्मत ही बदल गई। बैटिंग फील्डिंग बॉलिंग तीनों में आग लगा रखी है आग। अब खलील भाई को देख लो, कति मलिंगा बने बैठे हैं। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।